खुश नसीब हो, वल्लाह खुश नसीब कि आज तमाम आलम इस्लाम में 1 बिलियन मुसलमानों के बच्चे गुमराही की तरफ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को टीवी के हवाले कर दिया, आजकल के मॉडर्न स्कूल्स के हवाले कर दिया, लिबरल किस्म के माइंड सेट के टीचर्स के हवाले कर दिया। हमने भी यही किया है, लेकिन इमाम हुसैन हमें एक हदिया देकर गए जिसका नाम है फर्श अज़ा। पूरा साल ये बच्चा इस दुनिया की गुमराही गलियों में घूमता है, लेकिन जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता है, हुसैन बुला के से फर्श अज़ा पे बिठाते हैं। ये दर्स, ये तरीक़ा, दो दो महीना आपके बच्चे काल रसूलुल्लाह, काल अमीरुल मोमिनीन, काल जाफरन सादिक इस मिंबर से सुनते हैं। वल्लाह अगर ये मजलिसें न होती, हमने तो अपने बच्चों को इतना नहीं सिखाया। मेरे बच्चे ने खैबर सुनी तो मिंबर से सुनी, खंदक सुनी तो मिंबर से सुनी, करबला की आज़ादारी सुनी तो मिंबर से सुनी, मसाइब इमाम हुसैन सुने तो मिंबर से। तसव्वुर कर, अगर मिंबर ना होता हम तो किताबों को कभी उठाते भी नहीं। ये किसकी ज़हमत थी? ये सैयदा ज़ैनब की ज़हमत थी। फरमाते अगर बीबी ज़ैनब न होती आज तेरे पास ईमान न होता।